आप भी कभी आइसक्रीम खाते हैं तो आपने देखा होगा कि कई लोगों की वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंदीदा होती है। हो सकता है कि आपको भी वनीला फ्लेवर की ही आइसक्रीम अच्छी लगती हो, लेकिन क्या आप आइसक्रीम को एक शानदार टेस्ट देने वाला वनीला आपको मालामाल भी बना सकता है, ये बात आप जानते हैं? दरअसल इसकी खेती करके कई किसान अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ये एक तरीके से मसालों में गिना जाता है और दक्षिण भारत में कई किसान इसकी खेती करते हैं। खास बात यह है कि वनीला की बाजार में काफी डिमांड है और साथ ही इसके रेट भी काफी ज्यादा हैं, जो कि 40,000 रुपए प्रति किलो तक है। हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अभी वनीला 40,000 रुपए किलो बिक रहा है और पिछले साल इसकी कीमत 28,000 रुपए किलो थी। वनीला के रेट में काफी बदलाव होते रहते हैं और इसकी बढ़ने वाली रेट आपके लिए अच्छी कमाई का जरिया बन सकती है। इसकी डिमांड भारत से ज्यादा विदेश में है, जहां भी लोग इसे महंगे भाव में खरीदने के लिए तैयार हैं। अभी दक्षिण भारत में काफी लोग इसकी खेती कर रहे हैं, वहीं गोवा में भी इसकी खेती हो रही है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर आप किस तरह से इसकी खेती कर सकते हैं और अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आपको कितना फायदा हो सकता है। साथ ही जानते हैं इस खेती से जुड़ी कुछ खास बातें जो आपको जाननी आवश्यक है। सबसे पहले बात कि आखिर कैसे कर सकते हैं वनीला की खेती। भारतीय मसाला बोर्ड की रिपोर्ट की माने तो पूरी दुनिया में जितनी भी आइसक्रीम बनती है उसमें से 40% वनीला फ्लेवर की होती है। ऐसे में इसकी डिमांड काफी ज्यादा रहती है। इसका कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि वनीला आर्किड फैमिली का सदस्य है और इसकी बेल लगती है, तना भी लंबा होता है, इसकी फलियां लगती हैं, इसमें फूल लगते हैं और इनसे ही इसके बीज मिलते हैं और ऐसे में इसके लिए आपको ज्यादा स्थान की आवश्यकता नहीं। वनीला की फसल को ह्यूमिडिटी, छाया और मध्यम तापमान की जरूरत होती है। आप किसी भी राज्य में इस तरह का वातावरण बना सकते हैं और इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने होंगे। शेड हाउस बनाकर भी आप इसका तापमान मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही गर्मियों में इसे उगाया जा सकता है क्योंकि इसे 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए और थोड़ा मैनेज करके आप इस तापमान को रख सकते हैं। ये उन जगहों पर ज्यादा उगता है जहां पहले से काफी पेड़ हैं। दरअसल पेड़ के बीच से आने वाली संतुलित धूप ही इसकी पैदावार को बेहतर बनाती है। अगर आपकी जमीन में पहले से ही पौधे लगे हैं तो आपके लिए ये खेती ज्यादा प्रॉफिट देने वाली है। ऐसे में आप किसी कृषि जानकार से अपने खेत या जमीन की मिट्टी को चेक करके इसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं और मिट्टी, पानी, तापमान का बंदोबस्त होने के बाद ये कम जगह पर उगा सकते हैं। इससे आपको अच्छा फायदा हो सकता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।